क्या दोस्तों आपके भी यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है कि जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कनेक्टिंग की प्रॉब्लम। कॉल में न आवाज़ आ रही है न जा रही है, यहाँ पर केवल कनेक्टिंग दिखा रहा है। आप यहाँ पर साइड में लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कम्प्लीट देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ इस प्रॉब्लम को ठीक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। तो दोस्तों मैं कैलाश कौंत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के स्टोरेज को कम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो स्टोरेज के कारण होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर पहली ट्रिक बता दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपका मोबाइल स्टोरेज यानी कंप्लीट भर चुका है, तब आपको सबसे पहले स्टोरेज को कम करना है, तब आपके मोबाइल में ये कनेक्टिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है, तब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कोने में थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने इस प्रकार से सेटिंग्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टोरेज एंड डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, नेटवर्क यूजेज और नीचे यूजलेस डाटा फॉर कॉल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो यूजलेस डाटा फॉर कॉल्स यहाँ पर ऑन है। फिलहाल इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जब अगर ऑन रहता है तब आपके कॉल में वो प्रॉब्लम आती है, कॉल क्योंकि कनेक्टिंग दिखा देता है, ये कॉल के समय कम डाटा वो यूज होती है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑन करके रखते हैं। लेकिन यहाँ से आपको इसको बंद कर देना है ताकि आपका कॉल और कनेक्टिंग नहीं हो पाए, आपके कॉल में आवाज़ आ जाए सही से। तो इसको यहाँ से बंद कर देना। अगर फिर भी नहीं आती है, तब आपको यहाँ नेटवर्क यूजेज इस पर क्लिक करना है और फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीसेट स्टेटिक्स, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको रीसेट कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने रीसेट कर दिया है। तो रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और अब आपको अपने मोबाइल में कॉल करके देखना है कि आपके मोबाइल में कॉल करके होता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं किसी भी एक बंदे को, जैसे यहाँ पर मैं इसको कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये कॉल उठाई रहा है। हेलो हेलो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ग्रुप के साथ देखा कि आवाज़ आ रही और जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको अपने मोबाइल में स्टोरेज को कम करना है, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी इन सेटिंग्स को ऑफ करेंगे और जो मैंने आपको ट्रिक बताया इनको फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।